इस तरह से मोड़ा है, एक हुक लगा दिया है। शर्ट में यूज करूंगी डिजाइनिंग के लिए ये गोटा। जैकवार्ड का ये मेरा ड्रेस है और बिल्कुल न्यू है, अभी मैंने इसको पहना नहीं है, ठीक है। ये शर्ट मैंने स्टिच ली थी, रेडीमेड शर्ट है, तो ये शर्ट थी और इसके साथ जो है मैंने ये ट्राउजर अपना स्टिच किया था, ये देखें, ठीक है। तो इस ट्राउजर में से कपड़ा बचा था, काफी सारा कपड़ा बचा, कपड़ा फेंकते हुए ना काफी दुख होता है, और ये इसका दुपट्टा है, ठीक है। तो ये सूट को करते हैं साइड, ट्राउजर में से काफी सारा मेरा कपड़ा बचा था ये, तो फिर मैंने सोचा कि इसका रिदा का ड्रेस बन जाएगा। ये देखो काफी सारा कपड़ा है, जिसको स्टिचिंग आती होगी ना वो बहुत आराम से जो है अपनी बच्चियों का ड्रेस इसमें से निकाल सकते हैं कट करके। और मैं ये आपको बता दूं कि रिदा फातिमा जो है माशाल्लाह 4.5 इयर्स की है, फैब में वो फैब में जो है पूरे 5 साल की हो जाएगी। और उसका ड्रेस देखो इस कट पीस में से मैं निकालूंगी, आपको आराम से ये दिख रहा होगा, ये ट्राउज़र के साइड से निकला हुआ कपड़ा है बचा हुआ, तो इसमें से किस तरह से मैं उसका ट्राउजर भी निकालूंगी और शर्ट भी निकालूंगी वो देखते जाओ बस। यस गाइस, लेट्स स्टार्ट द कट। सारा ये सारे 4 पीसेज हैं टोटल जो कि ट्राउजर के साइड से मेरे निकले थे, और ये देख सकते हो इसकी कटिंग बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हुई हुई है। इनको मैंने अच्छे से प्रेस किया है और ऊपर तले 4 पीसेज रखे हैं, क्योंकि हमें 4 फोल्ड करना होता है, तो जैसे कि ये है कट पीस, तो इसलिए ये सब अलग अलग पीस हैं और मैंने इनको प्रेस करके अच्छे से जमा लिया है, ठीक। तो अब इसकी कटिंग किस तरह से होगी ये देखते जाओ। तो है लाइक मेजरमेंट्स जो है वो सब मैंने यहाँ पर लिख ली है रिदा के पुराने वाले ड्रेस से, और घेर हमारा होगा 7 इंचेस, ओके 7 इंचेस का हमारा आएगा घेर, ये होगा हमारे 7 इंचेस। हमारा होगा आसन, आसन है हमारा 9 इंचेस का, जो कि हम मेजर करेंगे बिल्कुल टॉप से, ये आसन आ गया। अब हम इसको देंगे कर्व शेप। आज जो है ट्राउजर की लेंथ आ जाएगी 21 है हमारे ट्राउजर की लेंथ। अच्छा मैं ना 22 ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ तक ये कट पीस है, तो ये मैं पूरा ले लेती हूँ यहाँ तक का। और ऊपर बेल्ट की जगह मैं अलग से कपड़ा लगाऊंगी, क्योंकि ये कट पीस है, हमारे पास कपड़ा इतना है नहीं, और हो सकता है कि नीचे से भी अलग से पट्टी लगा के ट्राउजर में फोल्ड करूं। अब हम निकाल लेते हैं अपना बॉटम, ही ले लेती हूँ यहाँ से कटिंग। ये देख लो तो हो गया है हमारा डन, तो इसको हम लपेट के कर देते हैं साइड पर शर्ट की तरफ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा शर्ट का पीस, जो कि इसको भी मैंने इस्त्री करके 4 फोल्ड में 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। पूरी लेंथ में यही रखूंगी रिदा की, ये बिल्कुल सेम लेंथ है। मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या लेंथ होगी। शर्ट की लेंथ है 22.5, शोल्डर्स मेजर करेंगे, शोल्डर आर्म होल होगा 5 इंचेस, इसको करेंगे कर्व। शर्ट की भी कटिंग हमारी हो चुकी है, अब रह गई है हमारी स्लीव्स। स्लीव्स के लिए हमारे पास जस्ट अब यही कपड़ा बचा है, तो अब हमें इसी में से स्लीव्स बनानी है। तो सबसे पहले जो है हम अपने इसके बेबी के ट्राउजर को जो है यहाँ से आसन की तरफ से सिलाई लगा देंगे, क्योंकि ये 4-4 पीस हुए हैं, इनको दो दो को आपस में पहले ज्वाइन करेंगे हम। यहाँ पे आसन की सिलाई लग चुकी है दोनों साइड्स को, फ्रंट को बैक को दोनों को। अब इसको ओपन करेंगे इस तरह से, अब आपको समझ आ गया होगा ये हो गया है ओपन। और अब इस वाले को भी ओपन करके इनको आपस में रख के और साइडों से हम सिलाई लगा लेंगे। ये जो साइड्स हैं ना हमारी, साइड्स मिला के इस साइड और इस साइड, ठीक है, दोनों जगह सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे देखो साइड्स की सिलाई भी लग गई है और प्रॉपर ट्राउज़र की शेप आ चुकी है। अच्छा ये बेबी ट्राउज़र है, तो इस वजह से मैंने ऊपर से आर्च में कटिंग नहीं किया, और थोड़ा मैंने लेंथ चेक की थी तो लेंथ सही आ रही थी, तो इसी में मैंने पतला पतला नेफा मोड़ दिया है, क्योंकि बेबी के ट्राउज़र्स में जो है हम पतला वाला इलास्टिक डालते हैं, तो इस वजह से मैंने इसका नेफा पतला पतला मोड़ दिया है। और अब बॉटम में जो है वो लगेगी एक्स्ट्रा पट्टी, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पट्टी भी मैंने कट कर ली है। ये दो हैं, दोनों पैंचों की एक एक पट्टी है, तो अब जो है मैं इसकी लगाऊंगी यहाँ पर पट्टी, और उसके बाद फिर ये साइड की यहाँ से
ये सिलाई आ जाएगी और फिर हमारा ट्राउजर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, हमारा ट्राउजर बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे पट्टी लगा के वो भी बैक साइड पे मोड़ दी थी और मैंने बिल्कुल सिंपल ट्राउजर बनाया है बेबी का। और अब इसको जो है मैं इलास्टिक डालूंगी, प्रेस करूंगी, फिर शर्ट स्टिच करने के बाद लास्ट में मैं इसको पूरा फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। हम स्टिच करेंगे अपनी शर्ट। शर्ट में पहले ही कटिंग कर चुकी थी आप लोगों के सामने और इसकी स्लीव्स कटिंग नहीं की थी, तो स्लीव्स में आया है जॉइंट। ये देख सकते हो आप, मैंने दो दो पीसीस को आपस में इस तरह से सिलाई लगा के जॉइंट किया है, ये देखो। और यहाँ से स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है और अब मैं शर्ट में यूज़ करूँगी डिज़ाइनिंग के लिए ये गोटा। ठीक है, क्या डिज़ाइनिंग होगी वो भी देखते जाओ। अब आप देखो मैंने क्या किया है, ये थे कुछ पीसीस बचे हुए, ये बीच में देख सकते हो जॉइंट है, ये देखो किस तरह से जॉइंट है, ये देखें। ठीक है, तो इसको मैंने प्रेस बुकरम पे इस तरह पेस्ट किया है, प्रेस करके ये देखें प्रेस बुकरम से लगा दिए हैं इन पीसेस को। और ये मैं बना रही हूँ नेक डिज़ाइन रिदा का। और फिर मैंने पेंसिल एंड स्केल की हेल्प से इस पर इस तरह से लाइनिंग लगाई है और अब इन लाइनिंग्स के ऊपर मैं लगाऊंगी गोटा। अब जल्दी से मैजिक करके दिखाती हूँ और ये रेडी हो जाएगा। 1 2 3 ये देखो जी, ये पूरा मैंने इसको कवर कर लिया है गोटे से और अब ये हम लगाएंगे अपने नेक पर। ये लगेगा हमारा यहाँ और फिर रिदा का नेक यहाँ से निकलेगा ऐसे। ठीक है, इसको यहाँ से मैंने इस तरह से मोड़ा है तीनों साइड से और अब इस पैनल को, ये पैनल टाइप बन गया है, इस पैनल को सबसे पहले मैं पिंस से इस पर एडजस्ट करूँगी। पिंस मैंने लगा दी हैं। पिंस लगाने से ये होगा कि आपको बहुत इजी हो जाएगा सिलाई लगाने में। अगर पिंस नहीं लगाते तो ये यहाँ वहाँ खिसकता, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आ सकता था। पैनल लग चुका है, राउंड नेक मैंने कट कर लिया है और अब इस राउंड नेक में मैं लगाऊंगी पट्टी और पट्टी को पीछे मोड़ के गला बन जाएगा। मतलब फ्रंट वाला मेरा नेक बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ मैंने पट्टी लगा के इसको पीछे पलटा है और ये बैक वाला नेक है। बैक नेक पे सिर्फ अभी पट्टी लगाई है, पीछे मैं बाद में पलटूंगी क्योंकि अब इस फ्रंट पार्ट को हम बैक साइड के ऊपर उलट के ऐसे रखेंगे। ठीक है, ये देख लो ऐसे करके नेक से नेक मिलाएंगे और ये जाए और ये जाएगा इसके ऊपर आ जाएगा और ये वाला साइड आ जाएगा इसके ऊपर ऐसे और यहाँ सिलाई आएगी, यहाँ सिलाई आएगी जी। तो यस, अब आप लोग देखिए फिटिंग मैंने लगा ली है और यहाँ पर स्लीव्स की फिटिंग भी हो गई है डन, दोनों स्लीव्स की डन हो चुकी है और अब जस्ट इनको स्लीव्स को अपनी शर्ट के साथ यहाँ पे एडजस्ट करना है और फिर है ये चाक और दामन और फिर हमारी शर्ट कंप्लीट। तो यस, हियर इज द फाइनल लुक ऑफ द ड्रेस। ये देखो, ये देखें, ये है रिदा का फुल ड्रेस, ये इसका नेक मैंने बनाया है, गोटा वर्क किया है पूरे नेक पर इस तरह से, राउंड नेक है और बैक एंड बैक साइड से जो है मैंने ये रिदा का यहाँ से ओपन किया है क्योंकि बच्चों का सर में गला नहीं आता और ज़्यादा बड़ा गला बना दो तो फिर वो लटकता है, बुरा लगता है। तो बच्चों के ड्रेसेस में ना पीछे से इस तरह ओपन करना मस्ट होता है और यहाँ पे मैंने एक हुक लगा दिया है, ये देखो फुल स्लीव्स हैं। अच्छा, मैं ना सोच रही थी कि ये गोटा स्लीव्स पर भी लगाऊं और दामन पर भी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फिर हैवी हो जाता और बच्चों मैंने इतना हैवी मतलब अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर ये कोई मैं वेडिंग के लिए बना रही होती तो अच्छा लगता इतना ज़्यादा गोटा, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसे ही कैजुअल ड्रेस मैंने बनाया है तो ये गोटा वर्क सिर्फ मैंने नेक पर किया है, स्लीव्स पर और दामन पर नहीं किया। और अब इसका मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ट्राउज़र, एंड दिस इज़ अ ट्राउज़र, ये देखो ये ट्राउज़र है इसका बेबी का। ये सिंपल वाला इलास्टिक डाला है मैंने इसमें पतला वाला और ये ट्राउज़र आ गया, ये देखें, ये देखो कितना ब्यूटीफुल सा माशाल्लाह ड्रेस लग रहा है रिदा का। पैंचे चेक कर लो, ये देखें। ठीक, आपको दिखाती हूँ अपना ड्रेस। ये मेरा ड्रेस है, ये इसका दुपट्टा है इस तरह से, ठीक, और ये दुपट्टा इधर करें, ये हो गई शर्ट इसकी। शर्ट का नेक बिल्कुल सिंपल है, कुर्ता सिला हुआ है, बेसिकली इसको कुर्ता कहेंगे क्योंकि ये कुर्ते की तरह स्टिच हुआ हुआ है और ये मैंने रेडीमेड लिया था, रेडी टू वेयर है बिल्कुल। और इसके साथ मैंने हर ट्राउज़र खुद स्टिच किया था जो कि अंदर है, प्लेन ट्राउज़र है, ट्राउज़र में से जो कपड़ा बचा था ना उसका ये ड्रेस बना है बेबी का, दिस वन।
देख सकते हो ये वाला ड्रेस बना है रिदा का, कितना ब्यूटीफुल है ना। ये देखो अब मैंने ये आपको रिदा को पहना कर दिखाऊंगी।